जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूं मैं आपके समक्ष एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। जी दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया बहुत ही जबरदस्त है और ये गर्मी के मौसम में बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही जबरदस्त चलने वाला है। और इस बिजनेस की बात करें तो ये कम इन्वेस्टमेंट और कम जगह पे ये बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। और आप देख सकते हो किस प्रकार से ये सेटअप पूरा किया गया है। ये है शुगर कैन मशीन। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो ओनली फॉर 3 रुपये से 3.5 रुपये में आपको ये पड़ने वाला है। और आप ये जो शुगर कैन मशीन से जो जूस निकलता है वो जूस आप आराम से 10 रुपये के आसपास अराउंड सेल कर सकते हो। और जगह के हिसाब से ये सेल होता है और आप कहीं भी 15 रुपये भी इसका ले सकते हो, लेकिन आपको गिलास बढ़ाना पड़ेगा। और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लेंगे ओनर से इस पूरे बिजनेस के बारे में, इसमें कैसे चलता है। और ये छाता भी अलग से इसमें दिया हुआ है और इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे हम ओनर से। जी सर, हमारे सब्सक्राइबर जानना चाहिए यूनिक प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मैं पहली बार ये प्रोडक्ट देख रहा हूँ, कुछ अलग ही है। ना शॉप की जरूरत है, ना कोई रेंट पे शॉप रखने की या कोई जगह पे, आपको कोई भी जगह मिली वहां आप खड़े रह सकते हो। आपको मेन प्रॉफिट होने वाला है कि आप शॉप का जो रेंट देते हो, रेंट देने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगे कि यहाँ पे बिजनेस चल रहा है तो वहां पे आप ये शुगर कैन मशीन लेके खड़े हो सकते हो। अगर लगा कि भाई यहाँ पे 2 दिन में बिजनेस बढ़िया नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको लेके ट्रॉली को अपने हिसाब से धक्का मार के आप दूसरी जगह लेके वहां पे बिजनेस सेट कर सकते हो आराम से। और छाता जो छाव के लिए ऑलरेडी, अगर आप धूप में खड़े हो तो धूप के लिए आपको छाता भी ऑलरेडी दिया गया। और बहुत सारी इसमें और फैसिलिटी भी है जो हमें ओनर बताएंगे। जी सर, सबसे पहले जो ये मशीन है हमारी शुगर कैन मशीन, न्यू 2022 एडवांस फंक्शन वाली मशीन है। जो बाजार में शुगर कैन मिलता है जो 3-3 बार 4-4 बार घुमाते हैं, पानी डाल देते हैं, बर्फ डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं, उसके अंदर कस्टमर को जैसा तैसा जूस पिलाते और जरा भी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते वो लोग, तो वो हिसाब से एकदम हाइजीन तरीके से कहीं पे भी रोड एरिया मार्केट एरिया में बिजनेस किया जा सकता है। क्योंकि शुगर कैन का ये बिजनेस ऐसा है कि कहीं पे भी आदमी रोड एरिया पे भी खड़ा रहकर बिजनेस कर सकता है। तो हमने ये मॉडल लॉन्च किया है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पावर से, के बाद पावर का कहीं पे भी अवेलेबिलिटी नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वहां पे क्या यूज करें और ठंडा जूस कैसे निकाले। चलो शुगर कैन तो मिल जाते हैं, कोई बैटरी पर चला लेते, लेकिन ठंडा वो चूल्ड चील्ड एकदम जूस कैसे निकाले, बिना बर्फ डाले, बिना पानी डाले। तो वो हिसाब से हमने मॉडल पूरा ऑल इन वन मॉडल लॉन्च किया हुआ है। ये ट्रॉली के अंदर पूरा चिलिंग सिस्टम भी हमने फिट किया है, ऑटोमेटिक शुगर कैन मशीन भी है। खाली जो गन्ना रहता है उसको 50-60 किलो 100 किलो रखने का भी जगह दिया है हमने। वेस्टेज जो कचरा निकलता है उसका भी नीचे डस्टबिन बॉक्स दिया गया है। और मशीन के अंदर हमने इनबिल्ट 2 बैटरी फिट किया हुआ है, ओनली बैटरी से चलता है, इन्वर्टर की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर, जिसका बैकअप 12 से 15 घंटे तक का बैकअप है। एक बार चार्जिंग अगर आप घर पे पुल करते हो तो 12 से 15 घंटे तक बिना बिजली आप मशीन को ऑपरेट और चला सकते हो। जैसे कि मैं आपको पहले तो मशीन ऑपरेट करके बताता हूँ कि कैसे इसको ऑपरेट की जाती है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टोरेज बॉक्स से यहाँ से गन्ना निकालेंगे, शुगर कैन है इसका, गन्ना निकालेंगे। जैसे देखिए दोस्तों कि आपको शॉप करने की जरूरत नहीं, शॉप की टोटली चीज इसमें दी गई है। इसके अंदर गन्ना रखना है तो अंदर स्टोरेज है, गन्ना निकाला आपने और गन्ना इंसर्ट करना है इसमें। हाँ, गन्ना इसके अंदर अभी है ना, इसको हम लगाएंगे गन्ने को। अभी हम इसका जो वेस्टेड बॉक्स है वो पीछे से वेस्टेड नीचे बॉक्स में चला जाता है, लेकिन आपको वेस्टेड दिखाने के लिए हम ये बॉक्स निकाल रहे हैं। अभी ये मशीन स्टार्ट हो चुका है, आप देखिए रोलर स्टार्ट हो चुके हैं इसके। अभी हम इसमें से शुगर कैन लगाएंगे, आप देखिए पूरा गन्ना ये सप्लाई हो रहा है, गन्ना ये वेस्टेज है यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये नीचे चला जाएगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने बाहर रखा है इसको, ये देखिए बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हो गया दोस्तों एक ही बार क्रश में। जैसे कि आपको मालूम है कि जो मार्केट में जो मशीन रहता है उसको बार बार क्रश करके निकाला जाता है, लेकिन ये मशीन आपको ओनली फॉर 1 बार में क्रश करके देखेगा। आप देखिए जैसे पाउडर जैसा होगी, अभी इसमें कुछ रस नहीं है, जूस कुछ भी नहीं है। मतलब इस मशीन का मेन फायदा है कि एक ही बार में आपको ये क्रश करके पूरा फीलिंग, पूरा जूस है जो वो निकाल के दे देता है। नहीं होगा आपका दुकान गंदा नहीं होगा, लोगों को मालूम नहीं होगा, तो उसके लिए पीछे बॉक्स है, ये बॉक्स में जो कचरा है वो सीधा चला जाता है। आप देखिए पूरा, अभी तो हमने आपको दिखाया कि कचरा कैसा निकलता है इसके लिए, और बाकी ये कचरा सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमने पहले 2-3 ग्लास निकाले थे तो उसका कचरा यहाँ पे वेस्टेज पड़ा हुआ है। मतलब पूरी स्वच्छता का ध्यान रखा गया है, इसी के हिसाब से मशीन पूरा बनाया गया है। कोई भी कस्टमर आया तो उसको हाइजेनिक पूरा लगना चाहिए, न कचरा दिखेगा
ना आपको मक्खी भी नहीं यहाँ दिखेगी, क्योंकि जो भी जूस आएगा वो अंदर इनबिल्ट होने वाला है। बिल्कुल, अभी यहाँ पे हमने एक बटन दिया है, बटन दबाने से इसमें से जूस निकलना चालू हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम क्लीन और ग्रीन कलर का जूस निकल रहा है, आप देख सकते हैं पूरा। इसे हम दूसरा भी ग्लास भरेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम क्लीन और जूस निकल रहा है इसमें से। इसका चिलनेस आपको अगर वीडियो में देखना है कि कैसा ठंडा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर, ये बॉर्डर छारी जम रहा है पूरा, देखिए ठंडी की वजह से। वीडियो में हम आपको टेस्ट तो नहीं करा सकते, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका कितना टेम्परेचर है जूस का ये देखना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे मीटर दिया गया, आप देख सकते हैं मीटर है पूरा। 0% का जूस निकल रहा है इसमें, इसका टेम्परेचर कंट्रोलर मीटर डाला हुआ है, 0% से इसमें से जूस निकल रहा है, एकदम ग्रीन कलर का, जरा भी ब्लैक या कलर चेंज कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर, आप देख सकते हैं पूरा। और अगर आप इसमें स्टोरेज करना चाहते हैं जूस, तो सर इसमें स्टोरेज कितना रहता है? स्टोरेज अराउंडली 5 से 6 ग्लास का स्टोर रहता है, वो भी चिलिंग के टेम्परेचर के अंदर ही रहता है, ठंडा ही रहता है, एकदम चिलिंग में रहता है। कोई कस्टमर 2-3 आए इकट्ठा, तो आप एक साथ 4-5-6 ग्लास भी उसको दे सकते हो, लाइव टू लाइव यहाँ से जूस निकलता रहेगा। और ये पूरा गाला हुआ है, आप देखिए कचरा दिख रहा है आपको इसमें जरा भी? नहीं, बिल्कुल एक पॉइंट भी, सीधा लाइव कस्टमर को शेयर करना है आपको। और ये चिल्ड कैसे होता है, चिल्ड होने का रीजन क्या है? हमने तो इसमें कंप्रेसर सिस्टम डाला नहीं है, कूलिंग सिस्टम डाला नहीं है, तो चिल्ड कैसे होता है? तो चिल्ड के लिए यहाँ पे आपको बर्फ स्टोर करना है, इसका आइस बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ पे रहता है, और इसका पाइपिंग है स्टील का, इसके अंदर पूरा गुजर के निकलेगा आपका मटेरियल। ये जो स्टील की पाइप जो रहती है ना, इसके अंदर से पूरा सप्लाई होकर इसमें जाएगा, बाकी ये बर्फ कोई पीने में यूज नहीं होता है। बिल्कुल, आपका जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं ना कस्टमर, उसको ये यूज नहीं होता है, ओनली चिलिंग के लिए यूज हो रहा है इसके अंदर। ओके, ये हम लाइव कस्टमर को दिखा सकते हैं। हाँ, सारे कस्टमर ऐसे भी बोलते हैं कि भाई आपने मिक्सिंग करके, यानी ठंडा पानी मिक्सिंग करके हमें, हाँ, पिलाया है। बट कोई भी कस्टमर आपको अगर ऐसा बोलता है, तो आपको लाइव इसको दिखाना है कि ये जूस सिर्फ बर्फ के अंदर से निकलता है फिलिंग होकर, बाकी इसके अंदर कोई भी प्रकार का मिक्सिंग नहीं किया जाता। जी बिल्कुल सर, तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है, भारी के ऊपर मिलता है, 10 भारी 12 भारी 12 60 तो पूरा भारी रहता है, ये तो आसानी से हमें मिलता है। आसानी से मिलता है, और हमारे यहाँ गुजरात में अपने यहाँ पे शुगर केन, अभी मैं भी बाजार से भी लेके आता हूँ, तो भारे के हिसाब से मैं यहाँ पे वेट काउंटर करता हूँ उसको, तो 1 किलो अराउंडली 8 से 10 रुपए में 1 किलो गन्ना अपने को पड़ता है। और ये मशीन 1 किलो गन्ने के अंदर आपको 800 ग्राम जूस निकाल के देती है, 800 ग्राम मतलब 250 मिल के 3 ग्लास बना के देती है 8 रुपए के अंदर, 30 रुपए मार्जिन। हाँ, 30 रुपए के अराउंड हमारा बिजनेस। हाँ, 8 आप निकाल दो फिर भी 22 रुपए के आसपास, हाँ, प्रॉफिट मिलता है इसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। और सर ये अलग से आपने क्या दिया है सर? ये एक्स्ट्रा धंधा बिजनेस करने के लिए ऑरेंज मौसम्बी या दाड़म है, उसका जूस हैंड ऑपरेटली कस्टमर निकाल सकता है इसको। इसमें आपको कोई कस्टमर मांग, क्योंकि क्या है बिजनेस डिफरेंट, अगर आपके पास गाड़ी है और 2-3 वेरायटी का आप बिजनेस करते हो, तो कोई कस्टमर ऑरेंज का जूस पीने आएगा, तो कोई शुगर केन का आएगा, तो कोई अनार का दाड़म का पीने आएगा, तो एक ही ट्रॉली में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हो सकता है इसके अंदर। आजकल बहुत ही हरीफाई है, क्योंकि एक बिजनेस से किसी का भी गुजारा नहीं सकता, नहीं होता है। बात सही है, ये आपने सोच समझ के लगाया, क्योंकि एक साथ दो बिजनेस है, किसी को गन्ने का जूस पीना है तो भी हमारे पास मिल जाएगा, किसी को मौसम्बी का जूस पीना है तो भी हमारे पास मिल जाएगा, ये बेस्ट है। सर एक चीज और, ये आपने छाता लगाया ना, वो बहुत ही बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि कोई भी कस्टमर या कोई सेल करने वाला हर हमेशा धूप पे खड़ा नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, इसलिए छाता बेस्ट है, क्योंकि कहीं भी धूप में अगर ऊपर वृक्ष नहीं है तो धूप में कहीं भी आप छाता आपको छाया आराम से देगा, बेचने वाला है उसको भी छाया देगा, और जो कस्टमर पीने भी आएगा तो वो भी 2-3 कस्टमर खड़े रह सकते हैं इसके अंदर छाते के अंदर। तो अभी सबसे बेस्ट बात सर कि हमारे सब्सक्राइबर इसके अराउंड प्राइस जानना चाहेंगे। अच्छा, वैसे ये मशीन की प्राइस ऑलरेडी 1,10,000 रुपए कीमत है, 1,10,000 कीमत है मशीन की, लेकिन इसका पूरा हम पैकिंग करके कंप्लीटली मशीन देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज एक्स्ट्रा रहता है मशीन के अंदर, बाकी 1,20,000 में पूरा पैकेज कंप्लीट करके हम देते हैं इसका, जिसके साथ में बैटरी भी इसके अंदर अंदर लगा हुआ है वो साथ में देते हैं, हम बैटरी भी दिखा देते हैं आपको कि किस तरह का बैटरी इसमें लगता है। इसका बैटरी हमने इसमें लगाया, 2 बैटरी, एक बैटरी का कीमत अराउंडली 6,000 रुपीज है, 2 बैटरी 12,000 रुपए का बैटरी है। अगर कस्टमर खुद लेना चाहता है खुद के शहर से, तो हम उनको 12,000 रुपया लेस कर देंगे। और इसमें भी कंपनी के हिसाब से उसमें वारंटी भी आता है ना? हाँ, वारंटी आता है 1.5 साल 2 साल का, अलग अलग कंपनी वारंटी देती है।
जी दोस्तों, ये है शुगर कैन मशीन से निकला हुआ हाइजेनिक यानी कि जबरदस्त जूस, आप देख सकते हो दोस्तों। और ये मशीन मेरे को तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा मशीन लगा, क्योंकि जितनी भी रिक्वायरमेंट थी कस्टमर को, वो सब रिक्वायरमेंट, मतलब रिटेलर जो सेल करना चाहता है जूस, उसकी सब रिक्वायरमेंट इसमें पूरी हो गई है। टोटली आपको बर्फ लगा के ये ठंडा भी मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसमें साथ में आपको दो बैटरीज भी मिल रही है, ओनर ने आपको बताया। और ये मिनिमम 3 या 3.5 रुपये में आपको कॉस्ट पड़ने वाला है, तो ये गर्मी में सबसे बेस्ट और जबरदस्त बिजनेस चलने वाला है मेरे ख्याल से। कम प्रॉफिट, मतलब कम इन्वेस्ट में इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं होगा। और गर्मी में लोग, मेरे ख्याल से अच्छी जगह होगी ना दोस्तों, तो मिनिमम पूरे दिन में 500-500 सेल कर देते हैं गिलास, पूरे दिन में एक एक गिलास 500-500 ऐसे गिलास सेल कर देते जी। तो आपको ये बिजनेस करना है या इस बिजनेस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप बिजनेस टाइम में इनके ओनर को कभी भी कॉल कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनका नंबर और शॉप का, फैक्ट्री का एड्रेस भी आपको डाल दूंगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया वाली इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी तरह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।